तो अभी भी हमने मतलब फिल्टर फॉर्मूले के बारे में जा रहा। फिल्टर फॉर्मूले क्या करता है, किसी भी नाम के अकॉर्डिंग आपका पूरा डेटा यहाँ पे मैच करके देता है। तो मुझे यहाँ पे नीचे एक एक सेल में डेटा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि पूजा के टोटल क्वांटिटी कितनी हुई है। अब क्वांटिटी ये रिपीटेड टाइम पे है, वैसे पूजा यहाँ पे 84 है, फिर नीचे पूजा है ये 43 है, तो यहाँ पे 83, 43 इस तरह से कॉमा कॉमा करके आ जाए। तो यहाँ पे वी लुकअप भी वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे आपका फिल्टर फॉर्मूला भी वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे यूज करना होगा टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला। तो यहां हम यूज करेंगे टेक्स्ट ज्वाइन, एरे फॉर्मेट में लेके चलेंगे इसको। टेक्स्ट ज्वाइन डिलिमिटर मतलब कि सेपरेटर क्या है, तो कॉमा है। ब्लैंक को इग्नोर करना है, हम लिहाज इग्नोर करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा है टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू, टेक्स्ट थ्री। तो मुझे यहाँ जो क्वांटिटी देना है उसको इसको कंडीशन करना मतलब फिल्टर करना है, जो पूजा है उसी क्वांटिटी देना है टेक्स्ट ज्वाइन को। तो यहाँ पे इफ कंडीशन यूज करेंगे, इफ अगर ए इक्वल टू पूजा है तो इसकी क्वांटिटी दो, अदरवाइज ब्लैंक। ओके, तो रिजल्ट आपके सामने, जितनी पूजा की वैल्यू थी, नहीं पूजा की वैल्यू सिर्फ नहीं आई है इसमें, 84, हाँ सही तो है, 84, पूजा को एक बार 43। फिल्टर किए तो सर मैनुअली उधर कितना आता है जीशो? एक मिनट मैं यहां भी एक पर पूजा लिखना पड़ेगा, इधर हो जाएगा ना, वही है सर, 84 है, 88 आ गया, लिख रहे हैं ना सर, हाँ अब 43 करें, 43 यहाँ नीचे है, ये रहा पूजा 43। ठीक है। ठीक है, बट इसका नहीं पता नहीं यूज मतलब किसी को पढ़ता होगा लेकिन इसका यूज होता है, जैसे कि आपको क्या कभी कभी क्या होता है कि हमें हमारे डेटा में मल्टीपल टाइम आया हुआ है, लेकिन कहीं इसको आपको शो करना है तो वहां पे आपको वन टाइम ही शो करना है, एक करेक्ट सेल में शो करेक्ट। करना है, कॉनकेट करना है, इसका यूज पड़ जाता है। मैं जैसे यूज करता था तो मुझे लेना डाटा को यूज करना था तो लिखा था कि कभी मैक्सिमम वैल्यू, और मान लीजिए पूजा का बहुत सारा वैल्यू है तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों में से कोई एक पिक करना था मुझे, तो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करके डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करके वैसे पिक कर लेता था। हाँ कर सकते मतलब हैं, मुझे मुझे कॉस्ट उठाना था कि इस प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है, सबसे ज्यादा कॉस्ट कितना होगा, मतलब 88 भी हो सकता है, 83, 88 भी, 88.7, 83.7, उसमें मैक्सिमम उठा लेता था। इसमें ये तरीका है कि इस पूरे पूजा में मान लीजिए कोई भी आइटम है पूरे पूजा में कितना सारा कॉस्ट है, तो ये देखने का एक तरीका है ये। जी, ठीक है सर। तो मिनिमम जी उठाना है, मैक्सिमम उठाना है, उसके लिए तो आपको मैक्स इफ, सम इफ है, मैक्स इफ है, मिन करेक्ट इफ करेक्ट है, उसे उठा सकते हैं। करेक्ट।